और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है। 2018 की तुलना में 5 गुना कीमत का सामान जब्त किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान, अब तक 330 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। नकदी, शराब और अन्य चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता उल्लंघन पर 1000 FIR हो चुकी है अब तक, और डीप फेक वीडियोज की भी शिकायतें आई हैं, और इस पूरे मामले में अब तक 330 करोड़ रुपए की जब्ती भी की जा चुकी है। लगातार आचार संहिता के जैसे घोषित होने के बाद से ही दलों के माध्यम से, जिसमें SST, फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और भी कई तरह की मोबाइल्स, इनकम टैक्स, जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लगातार ये काम चल रहा है। और पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में जो कुल जब्ती हुई थी वो 78 करोड़ के आसपास थी, 72 करोड़ थी। अभी तक इस चुनाव के दौरान ये 330 करोड़ रुपए के, जिसमें नगद भी है, दारू भी है, प्रेसस मेटल्स भी हैं। और खबरें लगातार आगे भी जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ही कहूंगा कि आप किसी भी संवैधानिक पद पे क्यों ना बैठे हो, घोटाला करने का हक कोई संवैधानिक पद आपको नहीं देता है, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिसंबर, 20 दिन बचे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, भ्रष्टाचारी पापी भूपेश